नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, सीएम हेमंत सोरेन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एससी एसटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करा दी गई है। छापेमारी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है और दिल्ली में छापेमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई। अनुपम कुमार, अमन पटेल पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई। तो राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से छापेमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये पहला कदम उठाया है, एफआईआर दर्ज कराई है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? जी, बता दें कि एसटी एससी थाने में ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है ईडी के चार अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें कि एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज भी हैं, उनका भी नाम इसमें शुमार है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो देवव्रत झा हैं, वो भी इस एफआईआर में, उनके खिलाफ जो है एफआईआर बुक की गई है। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एक तरह से समझा जा सकता है, जो प्रेशर है वो सरकार की तरफ से वो भी दिखाने की कोशिश की जा रही है एफआईआर के मार्फत। दूसरी तरफ अब पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है और एसटीएससी के विभिन्न प्रोविजन के तहत पूरे मामले की जांच जो है अब की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री से आज पूछताछ का दिन है, ईडी अधिकारी अंदर ही मौजूद हैं। जिन कुछ नामों का जिक्र किया गया है, कुछ नाम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी मौजूद हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर ही कुछ एक्शन जो है वो कहीं नजर ना आ जाए। अब पूरे मामले में एक तरह से है, जिस तरह से ईडी के अधिकारी जो हैं वो दिल्ली में छापेमारी करने पहुँचते हैं, वहाँ पर छापेमारी करते हैं, कई चीज़ों को बरामद किया जाता है, कई जो कैश है उसके भी सामने आने की बात जो है वो सामने आती है। पूरे छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो ईडी की तरफ से की गई है, जो कि जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिलती है। अमूमन ऐसा उसके प्रोविजन में भी है कि छापेमारी के वक्त जो है ईडी के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अब ईडी के द्वारा जो ये तमाम जो चीज़ें की गई हैं, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज होना अपने आप में एक नायाब तरह का स्टेप है। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन सही मायनों में अगर बात की जाए तो एफआईआर तो दर्ज कराई गई है, मुख्यमंत्री के तरफ से आवेदन भेजा गया था और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो केस है वो भी दर्ज कर दिया है। अब जाँच जो है वो की जा रही है और कार्रवाई का इंतजार है। साफ तौर से आज जो पूछताछ का दिन है, मुख्यमंत्री से पूछताछ का भी अहम दिन है, दूसरे राउंड की पूछताछ है ये जमीन से जुड़े मामले को लेकर। तो कहा जा सकता है कि कई सवाल जो हैं वो जमीन से जुड़े मामले को तो लेकर हैं ही, वहीं जो दिल्ली में जिस तरह से छापेमारी की गई थी वहां से भी जो कुछ बरामदगी हुई थी, चाहे वो कैश की बात हो या फिर दस्तावेज की बात हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री के तरफ से इस एफआईआर में कई बातों का जिक्र किया गया है कि उन्होंने जब छापेमारी हुई तो उससे रिलेटेड कई खबरें जो हैं वो प्रसारित हो रही थी, कुछ भ्रामक खबरें थी और इसी वजह से जिससे उनके मान की हानि हुई है, जिसे देखते हुए उन्होंने इस एफआईआर को दर्ज कराया है। जी ओम प्रकाश, अगर हम आपसे जो हमने आपने जानकारी दी यही समझ में आ रहा है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है वो मानहानि के सिलसिले में की गई है, तो इस पूरे एफआईआर में मानहानि का मामला ही दर्ज किया गया है? जी, मानहानि का मामला नहीं है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ा हुआ मामला है जिसे लेकर एफआईआर किया गया है और इसके प्रोविजंस अलग होते हैं और इसी मामले को लेकर इसमें मान सम्मान की तो हानि है ही, साथ में कई चीज़ें हैं, ये एसटीएससी एक्ट के भी जो एक्ट्स हैं वो भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में एसटीएससी एक्ट ही कहना इसको मुनासिब होगा, क्योंकि एसटीएससी थाने चलिए ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तरफ से अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी के अलग अलग अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के कांके स्थित सीएम आवास में पिछले 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ लगातार चल रही है। दोपहर 1:19 पर ईडी की टीम गेट नंबर 1 से सीएम आवास में
दाखिल हुई। ईडी अफसरों के साथ 6 गाड़ी पर सवार होकर सीआईएसएफ जवान भी सीएम आवास में दाखिल हुए। फिलहाल मुख्यमंत्री से पूछताछ लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि बरियातू की जमीन और दिल्ली में आवास से कार और कैश की बरामदगी को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे। तो ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। 1:19 पर ईडी की टीम वहां पहुंच चुकी थी और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गौरव जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? ईडी की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है, इस वक्त ईडी की टीम अंदर ही मौजूद है, क्या सवाल जवाब को लेकर भी किसी तरह की जानकारी आप तक पहुंची है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पिछले 3 घंटे से अधिक समय गुजर गया है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसी आवास के अंदर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी के साथ सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो भी दूसरे गेट से इसी आवास के अंदर दाखिल हुए हैं और 1:30 बजे करीबन 1:19 का वो समय था जब ईडी के अधिकारी अंदर गए और इस पूछताछ के दौरान कयास लगाए जा रहे हैं और कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि जमीन से जुड़े दस्तावेज के साथ साथ जो दिल्ली में ईडी की छापेमारी हुई है, हेमंत सोरेन के गाड़ी से जो कैश मिले हैं, उससे भी कुछ सवाल हेमंत सोरेन से यहां पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन झारखंड के राजनीति के भी लिहाज से और सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी और ईडी के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही ओम प्रकाश जी ने आपको बताया कि अब हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है, तो निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा है और इसी वजह से झारखंड के सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो भी अभी हेमंत सोरेन के इसी आवास के अंदर हैं और पिछले 3 घंटे के आसपास का समय है जब वो अंदर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पूछताछ खत्म होगी। अगर इस पूछताछ के बारे में बात करें तो इससे पहले 2 दफा और हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों की पूछताछ हो चुकी है। 1 दफा खुद हेमंत सोरेन ईडी के ऑफिस पहुंचे थे और 2 दफा इसी आवास पर आकर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी। आज जब 3री मर्तबा है तो उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूछताछ के बाद बहुत कुछ क्लियर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कि कल ही सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक रखी गई थी, झारखंड सरकार के जितने भी सत्ताधारी दल के विधायक थे उन्होंने अपने विधायकों को एक साथ एकजुट रहने को कहा था, एक साथ वहां जो अतिथिशाला था वहां रहने को कहा गया था, वहां सभी विधायक एक साथ थे। उसके बाद से फिर हेमंत सोरेन के आवास पर सभी की बैठक हुई, वहां से बातें ये निकल कर आई कि कल्पना सोरेन का नाम जो है वो प्रस्ताव रखा गया है, कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन सकती है, उनका चेहरा बन सकता है। उसके अलावे आज हमने आपको वो भी खबर बताई कि डिप्टी सीएम के रूप में 2 नाम जो दिए गए हैं, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के रूप में 2 नाम, एक चंपई सोरेन का नाम और दूसरा आलमगीर आलम का नाम, ये 2 नाम भी दिया गया है। तो इन खबरों को लेकर जो आधिकारिक रूप से पुष्टि है वो तो कोई नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये तमाम चीजें अब तक निकलकर सामने आई है। वहीं ईडी के अधिकारियों की बात करें तो जब 4 घंटे से पूछताछ अंदर चल रही है, तमाम व्यवस्थाएं ईडी के अंदर ही हैं, सभी अधिकारी अभी अंदर डटे हुए हैं, अभी ये पूछताछ चल रही है, तो अब देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है उसी पर बनी हुई है, आगे क्या कुछ होगा क्योंकि लगातार तेजी से बदलाव भी हो रहे हैं, ईडी की तरफ से भी कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री आवास के बाहर से दिखा रहे थे, आप देखिए कैसे वहां पर सीआरपीएफ के जवान भी लगातार मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, अंदर ईडी की टीम मौजूद है जो लगातार पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पिछले 3 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। पिछले 20 जनवरी की तारीख अगर आपको याद हो तो उस दिन भी ईडी की टीम अंदर पहुंची थी, उनके आवास पर ही उनसे पूछताछ चल रही थी और आज की तारीख यानी कि 31 जनवरी और आज फैसले का दिन है। देखने वाली बात होगी कि ईडी के सवाल जवाब जब खत्म हो जाते हैं तो आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल सबकी निगाहें मुख्यमंत्री आवास और झारखंड की सियासत पर टिके हुए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर की आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा व्यवस्था में भी किसी तरह की लापरवाही ना हो जाए इसलिए सीआरपीएफ की तरफ से वहां पर मुस्तैदी से उन्हें तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में आज अब तक क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले सुबह से सीएम आवास के बाहर हलचल काफी तेज रही है। सुबह 9 बजे ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक धारा 144 लागू की गई। सीएम आवास राजभवन के बाहर
धारा 144 लागू की गई और किसी भी प्रकार के धरना और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। अगर 30 जनवरी की तारीख आपको याद हो तो उस दौरान जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता समर्थक मुख्यमंत्री के वहां मौजूद थे, लेकिन आज किसी को भी वहां रहने की अनुमति नहीं है क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। 9:30 बजे बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। बीजेपी ऑफिस के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। 11:15 बजे सीएम आवास के बाहर की सड़क पर बैरिकेटिंग लगा दी गई। सुबह 11:15 बजे गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया। इसके बाद 11:23 बजे में जेएमएम विधायक सविता महतो सीएम आवास पहुंची। 11:30 बजे सीएम आवास के पास रूट को डायवर्ट कर दिया गया। सूचना भवन चौक से गोंदा थाना के बीच परिचालन को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से रूट को डायवर्ट कर दिया। कांके रूट जाने वाली वाहन सूचना भवन से मोरहाबादी रूट की तरफ डायवर्ट कर दिए गए। 12:00 बजे सीएम आवास के बाहर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो। आईजी और डीआईजी ने सीएम आवास के बाहर का निरीक्षण किया। 12:05 बजे में ईडी दफ्तर के बाहर हलचल काफी तेज हो गई। 1:01 बजे ईडी की 7 सदस्यीय टीम सीएम आवास के लिए रवाना हुई और 1:15 बजे में ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गई। 1:19 बजे जब घड़ी ने इशारा किया तो ईडी के अधिकारी सीएम हाउस में अंदर दाखिल हो गए और 1:20 बजे में 6 गाड़ी से सीआईएसएफ के जवान दूसरे गेट से अंदर चले गए। 2:02 बजे से जेएमएम कार्यकर्ताओं का पहुंचना सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो गया और सुबह से क्या कुछ हुआ इसकी पूरी पूरी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन सवाल यही है कि अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई कब तक पूरी होती है, ईडी की टीम कब बाहर निकलती है और उसके बाद अब आगे क्या, इस पर सबकी निगाहें टिके हुए है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में मची सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। उनके नाम पर सहमति नहीं बनने पर जोबा मांझी या चंपई सोरेन को भी आगे किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष की ओर से प्लान बी भी तैयार कर लिया गया जिसमें 2 उपमुख्यमंत्री के नामों की चर्चा है और इसमें जेएमएम की ओर से चंपई सोरेन और कांग्रेस की ओर से आलमगीर आलम के नाम की भी चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त झारखंड में भी सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहा और इन्हीं बैठकों में इन बातों पर चर्चा की गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं और साथ ही साथ अब तो प्लान बी यानी कि 2 उपमुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा हो रही है। एक है कांग्रेस की तरफ से आलमगीर आलम और दूसरे हैं चंपई सोरेन जो जेएमएम की ओर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही इन तमाम विषयों पर और खुलकर जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता नेता और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सामने अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चर्चा इन्हीं नामों की जा रही है। और इसी बीच सीता सोरेन का भी बड़ा बयान सामने आया। कल्पना सोरेन सीएम के रूप में स्वीकार नहीं, हेमंत हटे तो सीएम की कुर्सी पर पहला दावा मेरा होगा। जामा से जेएमएम विधायक हैं सीता सोरेन, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं सीता सोरेन। कल्पना सोरेन पर सीता सोरेन का बहुत बड़ा बयान, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीता सोरेन का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से हटते हैं तो पहला दावा पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। आपको बता दें कि जामा से जेएमएम विधायक हैं सीता सोरेन और दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं सीता सोरेन। कल्पना सोरेन पर सीता सोरेन ने यह बड़ा बयान दिया है। झारखंड के सियासी गलियारों में कल्पना सोरेन का नाम तेजी से दौड़ रहा है और इसी नाम पर ज्यादा चर्चा हो रही है कि यही मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन इसी बीच दुर्गा सोरेन ने दावा ठोका कि यह कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। राजधानी रांची में मची सियासी उथल पुथल के बीच मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ता और समर्थकों का जुटान लगातार जारी है। झारखंड के कोने कोने से जेएमएम कार्यकर्ताओं का जत्था लगातार रांची पहुंच रहा है।
हालांकि धारा 144 के चलते ये कार्यकर्ता राजभवन या सीएम आवास जाने की बजाय फिलहाल मोरहाबादी मैदान में जुट रहे। इन कार्यकर्ताओं के बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर नाराजगी और बढ़ती ही जा रही है। हम लोग आए हैं हेमंत सोरेन का सहयोग करने के लिए, जो ईडी द्वारा बेबुनियाद प्रताड़ित कर रहे हैं। हम इतना अच्छा नेता हम लोग का हेमंत सोरेन है, जो काफी यहाँ को लोगों को काम कर रहे हैं और गरीब को देख रहे हैं। आज हम लोग ईडी के पीछे, हम लोग ईडी को नहीं छोड़ेंगे। जितना पब्लिक है, हम लोग सभी तबके के लोग ईडी को हम लोग घेराव करेंगे। ये बीजेपी सरकार का काफी चाल है फंसाने। ये गठबंधन की सरकार को ईडी द्वारा केंद्र सरकार परेशान कर रही है बेवजह से। इसी के विरोध में हम लोग धरना पे आए हुए हैं। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग भी आए हुए हैं। मैं कांग्रेस से। अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएं, जहां बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हो गए। परंपरागत ढोल नगाड़ी मांदर और तीर धनुष के साथ जेएमएम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रांची की ओर निकले। जेएमएम कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बेवजह उनके मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। इन कार्यकर्ताओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के उरी मारी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से कार्यकर्ता रांची कूच कर रहे हैं। दरअसल ईडी द्वारा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन किया जा रहा है, उसके विरोध में झामुमो के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में परंपरागत हथियारों और ढोल नगाड़ों के साथ रांची कूच कर रहे हैं। हम बात करा रहे हैं केंद्रीय सचिव संजीव विद्यासागर, कहिए क्या कहना है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा नेता के झूठ मूठ के केस में फंसाना चाहता है ईडी के माध्यम से, लेकिन हमारा नेता सच्चा है और सच्चा रहेगा। जिस तरह अलग राज करने में हमारा नेता सफल हो, उसी तरह ईडी के विफल करेंगे। और आज हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरे हजारीबाग जिला और बड़का गांव विधानसभा एकजुट होकर हम लोग जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग रांची जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं, ईडी के खिलाफ में हम लोग माननीय हमारे जो राजा है, झारखंड के राजा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनको बार बार सम्मान ये हैन कैन करके और जो नोटिस पर नोटिस बुलावा कभी घर आप आइए चाहे हम आते हैं, इस तरह करके तबाह किया जा रहा है। जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा किस काम का। इसलिए संथाली वैसे कैसे देख रहे हैं ईडी का सम्मान लगातार जा रहा, पूछताछ होना है रांची में आज? ये तो गलत तरीका है पूछने का। हम लोग का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको एक साजिश के तहत उसको तंग किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी आदिवासी भाई मिल करके हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। देख सकते हैं लगातार कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर रांची की ओर रवाना हो रहे हैं और ये लगातार विरोध कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह का नजारा यहाँ पर है और कार्यकर्ता रांची की ओर हजारों की संख्या में कूच कर रहे हैं, चूंकि कार्यकर्ताओं का मानना है कि केंद्र के इशारे पर ईडी मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।